हेलो। तो रीसेंट में सैमसंग ने लॉन्च किया अपना सैमसंग S24 और S24 प्लस, मतलब ये थोड़े सस्ते स्मार्टफोन है। अगर बड़े की बात करें तो सैमसंग ने S24 अल्ट्रा भी लॉन्च कराया और वन प्लस ने लॉन्च किया अपना फ्लैगशिप वन प्लस 12। ये दोनों फोन इंडिया में लॉन्च किए गए और ये दोनों फोन दे रहे एक दूसरे को टक्कर। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो वन प्लस 12 आता है 64999 में और अगर हम सैमसंग S24 की प्राइस की बात करें तो इसका बेस प्राइस है 79999, मतलब 80,000 रुपए में एक रुपए कम। तो आज हम एक रिव्यू करने वाले हैं कि OnePlus 12 और Samsung Galaxy S24 में से बेटर बाइंग ऑप्शन कौन सा है इस प्राइस पॉइंट पे। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रोसेसर की, तो Samsung Galaxy S24 आता है अपने Zynos प्रोसेसर के साथ में। OnePlus 12 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, जो कि मार्केट के अंदर सबसे प्रीमियम और सबसे फास्ट स्मार्टफोन माना जाता है अगर एंड्रॉइड डिवाइसेस की बात करें। बेसिकली इस प्राइस पॉइंट पे मुझे बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 देखने को मिला है। ये नहीं पता मुझे बिल्कुल भी कि सैमसंग ने क्यों इंडिया में स्नैपड्रैगन जेन 8 3 प्रोसेसर सिर्फ अल्ट्रा मॉडल के अंदर रखा है। वहीं पे अगर US मार्केट की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S24 के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ ये अल्ट्रा मॉडल में आता है S24 सीरीज के में। तो आगे हम कंपैरिजन करेंगे OnePlus 12 और Samsung Galaxy S24 की बैटरी का। अगर बैटरी की बात करें तो OnePlus 12 में मिलती है आपको 5400 mAh की बैटरी, वहीं पे Galaxy S24 के साथ आती है 4000 mAh की बैटरी। बात करें OnePlus 12 की तो इसके अंदर आता है 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में OnePlus 12 की बैटरी एक दिन या उससे थोड़ा सा ज्यादा आराम से चल रही, वहीं पे Samsung की बैटरी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है OnePlus 12 के साथ। और Samsung Galaxy S24 की अनबॉक्सिंग करोगे तो आपको उसके अंदर चार्जर भी नहीं मिलता है। तो बैटरी की बात करें तो यहाँ पे OnePlus 12 दोबारा से एक क्लियर विनर है Samsung Galaxy S24 के मुकाबले। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं OnePlus 12 और Samsung Galaxy S24 के कैमरे की। अगर कैमरे की बात करें तो दोनों फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। जो Samsung Galaxy S24 आता है वो आता है ऑप्टिकल जूम के साथ में, वहीं पे जो OnePlus 12 है वो आता है पेरिस्कोप जूम के साथ। और सैमसंग को ये बात अच्छे से पता है कि पेरिस्कोप जूम ज्यादा बेटर है ऑप्टिकल जूम के मुकाबले, इसलिए सैमसंग ने अपने अल्ट्रा मॉडल के अंदर, मतलब गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर पेरिस्कोप जूम रखी है। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर भी OnePlus 12 सैमसंग गैलेक्सी S24 के ऊपर एक क्लियर विनर है कैमरे के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम रिव्यू करने वाले OnePlus 12 और Samsung Galaxy S24 की स्क्रीन की। अगर हम स्क्रीन की बात करें, सुनने में बेसिक Samsung Galaxy S24 हाई एंड स्मार्टफोन लगता है, लेकिन अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 12 की जो डिस्प्ले है वो Samsung Galaxy S24 की डिस्प्ले से काफी बेटर है। तो सबसे पहला कंपैरिजन है डिस्प्ले में साइजेस का। OnePlus 12 आता है 6.8 की काफी बड़ी डिस्प्ले के साथ में, वहीं पे आपको Samsung Galaxy S24 के अंदर मिलती है एक 6.2 की थोड़ी छोटी डिस्प्ले। मतलब S24 अल्ट्रा में आपको 6.8 की डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन हाँ S24 रेगुलर में आपको 6.2 की डिस्प्ले मिलती है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो OnePlus 12 में मिलता है आपको 1140x3168 का रेजोल्यूशन, वहीं पे Samsung Galaxy S24 में मिलता है आपको 1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन। और अगर OnePlus 12 की डिस्प्ले को हम देखें तो वो काफी ब्राइट और वाइब्रेंट नजर आती है। इसके अंदर आपको मिलता है 4500 निट्स की ब्राइटनेस और वहीं पे Samsung Galaxy S24 में मिलती है आपको सिर्फ 2600 निट्स की ब्राइटनेस। और डिटेल में बात करें तो OnePlus 12 की डिस्प्ले वो सपोर्ट करती है HDR10+ और Dolby Vision, वहीं पे Samsung Galaxy S24 की डिस्प्ले सिर्फ HDR10 सपोर्ट करती है। तो इस ओवरऑल कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि OnePlus 12 डिस्प्ले के मामले में Samsung Galaxy S24 से आगे है। और लास्टली हम बात करते हैं दोनों फोन के प्राइसेस की। वैसे तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दोनों फोन के प्राइसेस बता चुके हैं कि OnePlus 12 आता है 64999 का और Samsung Galaxy S24 आता है 79999 का। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो OnePlus 12 के फीचर्स हैं वो आप काफी बेटर हैं Samsung Galaxy S24 से, और ऊपर से जो OnePlus 12 का जो प्राइस है बेस प्राइस है वो Samsung Galaxy S24 के बेस प्राइस से 15,000 रुपए कम है। तो अगर आप इन दोनों फोन्स में से अगर एक फोन बाय करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली OnePlus 12 एक स्मार्ट चॉइस है इन कंपैरिजन टू Samsung Galaxy S24। तो फ्रेंड्स, ये था OnePlus 12 और Samsung Galaxy S24 का एक डिटेल रिव्यू। ऐसी स्पेशल रिव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।